संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वैश्विक कार्यक्रम 2030 के तहत पंचायत राज संस्थाओं में पंचायती राज विभाग भारत सरकार द्वारा निर्धारित 9 लक्ष्यों में से एक गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका को प्राप्त करने हेतु तलेगांव ठाकुर गांव ने अपने शाश्वत विकास के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं। पर यहां से कुछ साल पहले यहां हालात ऐसे नहीं थे। गांव की मुख्य आजीविका कृषि पर आधारित थी और आजीविका के लिए ग्रामस्थों को सिर्फ खेती पर ही निर्भर रहना पड़ता था। ग्रामस्थों की आय एवं आजीविका बढ़ाने हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाएं, स्थानीय प्रशासन द्वारा गांव के हर घर पहुंचाने की मुहिम शुरू हुई। तलेगांव ठाकुर, जो कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले में राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर स्थित है, गांव में कुल 1515 घर है और आबादी 6000 के करीब। गांववासियों को वित्तीय सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भर करने हेतु तलेगांव ठाकुर ग्राम पंचायत ने सरकारी योजनाओं को पहुंचाकर इसके समग्र विकास के लिए अद्वितीय कार्य किए हैं। पीएमएफएमई के माध्यम से 16 महिलाओं ने अभी तक 6,40,000 आर्थिक सहायता प्रदान करने के बाद स्वयं सहायता समूह के तहत अलग अलग व्यवसाय को लगातार बढ़ाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती द्वारा उत्पादित हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, अलग अलग तरह के अचार, मूंग वड़ी, सेवैया, इनका ब्रांडिंग तथा पैकेजिंग एवं मार्केटिंग, स्थानिक माल को निर्यात करना जैसी सुविधा मुहैया कराकर स्थानिक उद्योग को विस्तारित किया जा रहा है। और आज इसी के माध्यम से गांव में रोजगार के साथ साथ ग्रामस्थों की आय में बढ़ोतरी हुई है, ग्रामवासियों की जीवन शैली का विकास हुआ है। इसी का परिणाम है कि गांव में आज 122 स्वयं सहायता समूह कार्यरत है, 4 ग्राम संघ है, 110 स्वयं सहायता समूह को बैंक जो अपने स्तर पे राशि उपलब्ध करवा रही है, अभी तक 105 लाख की वित्तीय सहायता की गई है। उम्मीद, इस महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोति अभियान के तहत ग्रामवासियों ने आजीविका बढ़ाने हेतु किराना दुकान लगाकर स्थानिक स्तर पर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सराहनीय काम किया है और इसके साथ ही अपने परिवार को भी वित्तीय मजबूती प्रदान की है। पोकरा, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना के माध्यम से मशीनीकरण कर किसानों को कुशल बनाना, रोजगार के अवसर पैदा करना जैसे कार्य किए जाते हैं। इसी योजना के माध्यम से औजार बैंक का निर्माण भी किया गया है। किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंप एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर किसान भी अपनी खेती में कम से कम लागत में भारी मात्रा में उत्पादन हासिल कर रहा है और अपनी आय बढ़ा रहा है। समाज कल्याण के माध्यम से दिव्यांग समूह को आत्मनिर्भर करने के लिए बकरी पालन व्यवसाय के लिए राशि उपलब्ध कराई गई और आज इनके जीवन में आत्मसम्मान एवं खुशहाली बढ़ी है। गांव खुशहाल तो देश खुशहाल, यही विचारधारा तलेगांव ठाकुर गांव में हमें देखने को मिलती है। आज यह गांव गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका के लिए आसपास के गांव के लिए एक मिसाल के तौर पर काम कर रहा है। आज गांव विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है और भविष्य में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामस्थों के लिए उज्जवल भविष्य, गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत तलेगांव ठाकुर द्वारा विशेष नियोजन किया गया है। गांव के समग्र विकास के लिए हमारी शुभकामनाएं।